पानी की समस्याएं लगातार बनी रहती है, वही जिला परिषद हो या पंचायत से मुखिया हो। पंचायत चुनाव आते ही मुखिया का लगातार झूठा आश्वासन देना शुरू हो जाता है और तरह तरह की बातें जो ऐसी है वोट लेने के लिए जनता को मनाई जाती है। लेकिन वहीं एक साल के बाद आज हम लोग फिर पिठोरिया के मदनपुर पे आ पहुंचे हैं, जहां पे उसी तरह की परेशानियां जो है फिर से देखी जा रही है। जी हाँ, मैं बताती चलूँ कि लगातार यहां पे पानी की समस्याएं जो है बनी रहती है और उसी को लेकर के यहां पे हमने देखा कि चापाकल तो यहां पे बनाए गए हैं, नल तो घर घर पे लगा है, पर पानी कहीं तक भी नहीं पहुँच रहा है। चापाकल जो है खराब पड़े हैं। मैं आपको विजुअल के माध्यम से दिखाऊंगी, यहीं पे एक चापाकल है जो नई बनाए गए थे और लगातार यहीं पे जो है खराब पड़ा हुआ नजर आ रहा है। इन लोगों का लगातार यही गुहार रहा है कि ये लोगों को पानी जो है समय से मिले, क्योंकि ये लोगों को पानी लेने एक मीटर से आधा मीटर की दूरी लगातार तय करनी पड़ती है। क्या कुछ कहिएगा, एक साल पहले भी पानी की बहुत ज़्यादा समस्याएं थी और अब भी वही चीज़ें नज़र आ रही। लगभग यहाँ पे काफ़ी सारे चापाकल तो लगे हुए हैं पर पानी की दिक्कतें बनी हुई। कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है पीने में भी। ये देखिए बैल बकरी वो पिलाने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत दूर ले जाते हैं उधर पिलाने के लिए पानी। आप लोगों को कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है, कुआं लाने जाते तो 1 घंटा लगता है लाने में। क्या कुछ कहें आप लोग, जिला परिषद से या पंचायत मुखिया से कुछ बोले थे आप लोग? बोले थे तो बोलता है वो सब की हम लोग नहीं अथी कर सकते हैं, नहीं जान सकते हैं उसको। अब दो पक्के गांव है ना, तो जो बोलिएगा वही देखिए नहीं कर देंगे तो क्या कर लीजिएगा, बोलता है तो हम लोग क्या करें, जाओ तो जैसा चलना है तैसा चलेगा। तो जिला परिषद को नहीं बोलते आप लोग? नहीं, फोन नहीं किए हैं। अच्छा, वो एक बार भी निरीक्षण करने नहीं आई है? नहीं, देखने तो नहीं आया है। अपना नाम बता दीजिए। सुनीता देवी। ठीक। कितना दिक्कत होता है दीदी पानी लाने में? बहुत दिक्कत होता है, पानी भी नीचे है, कुआं भी बाल्टी भी नहीं डूबता है, वहाँ थोड़ा थोड़ा गंदा गंदा रहता है, उसी को ला के पीते हैं, नहीं आता है पानी तो क्या करेंगे। अच्छा, कोई का दिक्कत है, घर उर का भी दिक्कत है, इधर मिल भी नहीं करता है कुछ, कोई चीज सारी चीज़ों की समस्याएं हैं। जिला परिषद देखने आती है एक बार भी? ना, कोई नहीं आती है ना। अच्छा, लोडिंग होता है यहाँ, पानी कहाँ मिलता है हमें? एक मिनट, जब से शुरू बना हम लोग को तब से हम लोग को पानी मिला, हम लोग को अच्छा अथी लगा कि हम लोग चलिए इतना सफल, हम लोग सब चीज का कागज भरे, बस 15 दिन तक ले पानी मिला, उसके बाद से उधर लोडिंग होने लगा। अब वो लोग चलाता नहीं है तो बोलता है कि उधर सरकार तरफ से हम लोग को लोडिंग नहीं मिलता, पानी का पावर नहीं है। अब वो लोग तो मेन वहीं पर आप लोग अथी करवा दिए हैं टंकी, इधर इस टोला का नहीं दिए, इतना से थोड़ा सा पानी चकने में बोलिए शुरू समय मिला, अभी नहीं मिलेगा। हम लोग छोटा छोटा बच्चा है, मॉर्निंग में स्कूल जाता है बच्चा, अब हम लोग को मॉर्निंग में स्कूल तो पानी नहीं रहा तो हम लोग तुरंत कुछ के गई उतना दूर लाने कुआं भर के लाएंगे, और कभी हम लोग लेट से काम कर इजार चले गए रात को, पानी का बहुत कभी दिक्कत हो जाता है। तो बच्चा लोग छोटा बच्चा लोग जैसे कि अब घर में रहेगा तो नल तो खोल के पानी भर सकता है ना, थोड़ा सुविधा मिलेगा तो काहे हम लोग मेहनत किए, इतना हम लोग सरकार को सब सपोर्ट दे रहे हैं मगर कोई चीज़ नहीं। यहाँ पर मुखिया वार्ड वाला अथी उठता है, सब पैसा लेके खा जाता है, कोई करने वाला नहीं। पैसे उसे की भी मांग की जाती है क्या? तो अभी इंदिरा आवास का हुआ ना, तो 20,000 दीजिएगा तब गरीब लोग को देंगे। कौन बोलता है ऐसे? जो यहाँ हम लोग का मुखिया बनते हैं, जो वार्ड होते हैं, हर चीज होते हैं। हम लोग देखिए कैसे गरीब वाले हैं, हम लोग रोज कमाना खाना वाला है, तो हम लोग रास्ता का भी देखिए अभी बहुत इतना मुश्किल से थी, तो रास्ता भी अभी वहाँ तक का मिलना चाहिए तो वहाँ तक भी नहीं हम लोग का सुविधा। हम लोग को बस सरकार से इतना ही दवा है, आप लोग वहाँ तक बिनती पहुँचाइए, हम लोग को पानी का बहुत जरूरत। हम लोग तो गाय घरों का चलिए कहीं भी हम लोग डोभा ही किए, अब बोलिए आप इतना मुखिया वार्ड हो गए, सब कोई अपने अपने फायदा अपने, वो लोग पूरा अपने टोला का पानी का दिक्कत ही कर लिए हैं। अब उन लोग तो अपना सुविधा हो गया, काम काज जा रहे, हम लोग हमेशा जाते हैं ना दीदी, हमेशा भरा रहता है उनके पानी टंकी में, आरी में फूल ड्राम भर के, हम लोग इधर बहुत दिक्कत है। मानिए हम लोग ना नहाने धोने का तो कम से कम पीने का, बाल बच्चा हम लोग चल जाएंगे तो कम से कम भर भी रहे।
तो जैसा कि हमने यहाँ की महिलाओं से बात की, इन लोगों का कहना है कि काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है पानियों को लेकर। सड़क भी यहाँ की इतनी जर्जर स्थिति में है कि पैरों पे काफी ज्यादा दिक्कतें होती है, पैरों पे छाले पड़ आते हैं। अगर ये मुखिया के पास जाती हैं या फिर जिला परिषद के पास, तो उनका कहना होता है हाँ ठीक है देखेंगे। इसी तरह का आश्वासन लगातार इन लोगों को झेलना होता है, जिसकी वजह से अब तक ये लोग मुसीबत का ही सामना कर रही है। इन लोगों का सीधा तौर पर आरोप है कि यहाँ पे इंदिरा आवास भी आता है तो इन लोगों से 10-20 हजार रुपए की नगद मांगे भी की जाती है। इनका कहना है हम गरीब लोग पैसे कहाँ से लाएंगे, क्या इसी दिन के लिए हम लोगों को वोट देते हैं कि वो हमसे पैसे की वसूली करें। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या इसी तरह से ये लोग पानी के लिए तरसते रहेंगे और लगातार जिला परिषद से या फिर मुखिया से लगातार ये लोग गुहार लगाते रहेंगे, या फिर इसका परिणाम जल्द ही निकल कर सामने आएगा। ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे झारखंड न्यूज़ 9 के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।